मैं हिमांशु जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, रिएक्शन चाहूंगा। एक हमारे दर्शक है वरुण मलिक, वो पूछ रहे हैं कि गुजरात मॉडल हमें बेचा गया था एज अ डेवलपमेंट मॉडल। वो कह रहे हैं दे फेल टू मेंशन दैट गुजरात परफॉर्म्स इन द बॉटम फाइव फॉर मेल न्यूट्रिशन नरिशमेंट, ऑल्सो फीमेल हेल्थ इज लैगिंग बिहाइंड इन द इंडस्ट्रियल स्टेट। मैं जो आपसे एक चीज रिएक्शन चाह रहा हूँ कि जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र की जो डिस्पैरिटी है, और इंडस्ट्री की जगह हमारे यहाँ सर्विस इंडस्ट्री में बहुत जोर है, तो एज अ पॉलिसी मेकर लॉन्ग टर्म में आपको कुछ हमारे पास विजन है कि हम अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं, अपने आप लोग चीजें बढ़ती जाएंगी और हम एक एक इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। हिमांशु जी नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को और आपको अभिनंदन ये टॉकाथॉन के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने पूरी की पूरी बात जो है, जो विषय है वो एक, उसका जो रेफरेंस पॉइंट जिस तरीके से दिया वो परफेक्टली दिया उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खाई अमीर और गरीबों में, लेकिन जो अमीर है उनमें भी मतलब एक तरीके से उनको भी ये महसूस हो रहा है कि बिजनेस एनवायरमेंट ठीक नहीं है। गुजरात मॉडल की जहां तक हम बात करें तो गुजरात मॉडल को अभी तक मार्केट नहीं किया गया था। गुजरात मॉडल क्या है मैं बताता हूँ। 1960 में जब गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ तो देश का जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स है उसके ऊपर गुजरात 9वें क्रम पे था। ना ही हमारे पास कोई बड़ी मतलब अदानी अंबानी की कोई इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे, ना ही कोई एसआर था, कुछ था, सिर्फ एक पीएसयू सबसे बड़ा जो था वो ओएनजीसी था, और कहीं ना कहीं टाटा केमिकल्स का नमक बनाने का कारखाना मीठापुर में, और एसएससी की कुछ तीन कंपनियां द्वारका में, सेवालिया में और पोरबंदर, वेट प्रोसेस वाली, तो स्केल ऑफ इकोनॉमी उसकी छोटी। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई बाद में वो सब क्लस्टर्स के जरिए, छोटे छोटे जो शहर थे शहर के अंदर जो क्लस्टर्स बने, जैसे आपके मतलब वहां पे उत्तर प्रदेश में इत्र का बिजनेस है, छुरी चाकू का बिजनेस है, चमड़े का बिजनेस है, वैसे यहाँ पे क्लस्टर्स बने। और क्लस्टर्स कैसे बने कि जामनगर में ब्रासपाट का बिजनेस है, राजकोट में डीजल इंजन का बिजनेस है, मोरबी में तब उस जमाने में ग्लेस टाइल्स बनती थी और रूफ टाइल्स बनती थी तो उसका बिजनेस था, आज मोरबी हब बन चुका है विट्रीफाइड टाइल्स का, सिरामिक टाइल्स का। उसी तरीके से अगर आप देखने जाए तो बगसरा करके एक छोटा गांव है अमरेली डिस्ट्रिक्ट के आसपास, वहां पे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी बनती है वो बगसरा से उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती थी। उसी तरीके से सूरत है तो सूरत पूरा का पूरा डायमंड पॉलिशिंग का और एम्ब्रॉयडरी वगैरह का और टेक्सटाइल का हब बना। तो अगर आप पूरे समूचे गुजरात को देखेंगे तो नॉर्थ गुजरात को मतलब निकालते हुए, क्योंकि नॉर्थ गुजरात में जो डेवलपमेंट आया वो भूकंप के बाद की जो पॉलिसीज आई उसमें बहुत सारी कंपनियां आई कच्छ में, और उसके बाद पाटन में सोलार के कुछ प्रकल्प लगे, बाकी उसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर, डेयरी इंडस्ट्रीज, ये जो बनास डेयरी है या फिर अमूल की डेयरी है, तो ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो थी उसकी वजह से ग्रोथ आई। और सबसे बड़ी चीज सिंह साहब क्या थी ये समझने लायक, उस जमाने में ये छोटी छोटी कारखाने या छोटी छोटी कंपनियां उस शहर में लोगों को नौकरियां देते, तो आप कहीं पे भी किसी भी घर पे चाहिए चले जाइए, मिडिल क्लास के लोग उन कारखानों में नौकरियां करते थे, क्लर्क के तौर पे या कोई अगर डिप्लोमा किया है तो कोई इंजीनियर के तौर पे, उस तरीके से नौकरियां उनको मिल जाती। ये कारखाने पैसे कहां से लाते थे, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये कारखाने पैसे लाते थे कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर से। तो गुजरात में सबसे बड़ी चीज जो हुई वो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर हुआ, क्योंकि उस जमाने में इन कंपनियों के पास स्टॉक मार्केट में जाने की ताकत नहीं थी, एसएमई एक्सचेंजेस जो भी आए उस जमाने में तो थे नहीं, तो ये जो बड़े बड़े कारखाने थे वहां से जो लोग कहीं ना कहीं इन कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड पे बैठते थे, छोटे छोटे खुदरा व्यापारियों से रोज के 10 रुपये 20 रुपये लेके इस तरीके से पूरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, जिस शहर से मैं आ रहा हूं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पावर में रही जब कांग्रेस मतलब केंद्र में सत्ता में थी और राज्य में सत्ता में थी, वहां पे छोटे छोटे रेडी रेकली वालों को भी लोन दिया गया था और वो लोन 100% भरपाई हुआ। तो ये मॉडल था। 1960 में हम 9वें क्रम पे थे, 1990 में हम 2रे क्रम पे थे, और हमारे पास जैसे मैंने कहा कोई बड़े कारखाने नहीं थे। आप चेक करवा लीजिए, रिलायंस आया 1998 में, उसके बाद एसआर आया, उसके बाद ये सब जो भी हुआ वो हुआ, कार कंपनी आया जो भी आई,
तो ये ग्रोथ था गुजरात का, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, आज वो खत्म हो। लिज्जत पापड़ जैसी सबसे बड़ी ब्रांड आप देख लीजिए गुजरात में, उसका जिस तरीके का नेटवर्क है, पापड़ बना औरतें पापड़ बनाती थी, बॉम्बे से बेसिकली वो एक कोऑपरेटिव मॉडल है वो भी। तो ये गुजरात की ग्रोथ स्टोरी, और इसको मार्केट नहीं किया गया था शायद, या इसके ऊपर जो पॉइंट्स थे कि हम सबसे बड़े नमक के प्रोड्यूसर है, या हमारे पास अच्छा खासा रोड नेटवर्क है पोर्ट्स को कनेक्ट करता हुआ, तो ये मार्केटिंग हुआ। तो गुजरात मॉडल किसी ने खड़ा नहीं किया है, गुजरात मॉडल लोगों ने खुद ने खड़ा किया है, अपनी मेहनत से खड़ा किया है। गुजराती के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो वो अपना व्यापार कर लेता है। तो आप हमारे मतलब आप कच्छ देख लीजिए, कच्छ भूकंप के पहले जो जिस तरीके की बाढ़ आई थी उसमें खत्म हो गया था, साइक्लोन में खत्म हो गया था, उसी तरीके से आप मोरबी देख लीजिए, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बाढ़ में खत्म हो गया था, भूकंप में खत्म हो गया, लेकिन फिर से खड़ा हो गया। तो हमारे लोगों के अंदर एक तरीके की एक एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है गुजराती लोगों के अंदर, खास करके गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़ से। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है आप समझ लीजिए, कोई अदानी अभी है नॉर्थ गुजरात से वगैरह से, बाकी जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं गुजराती, वो सब सौराष्ट्र के हैं, सौराष्ट्र कच्छ के, खास करके समुद्री किनारा जो है वहां से है। धीरूभाई अंबानी ले लीजिए आप खिमजी रामदास ले लीजिए जो दुबई में इतने बड़े हैं, आप ले लीजिए इनको नानजी कालीदास, ये जो जूही चावला के ससुर, मेहता ग्रुप जो है, आप ले लीजिए चिमन भाई मेहता करके जो अभी सीके मेहता, जो दीपक नाइट्राइट ग्रुप के जो चेयरमैन, दीपक फर्टिलाइजर ग्रुप के जो अभी गुजर गए, वो अमरेली से है, सन फार्मा वाले वो अमरेली से है, तुलसी तंती सुजलोन के वो राजकोट से थे। तो ये सब सौराष्ट्र कच्छ से पैदा हुए कहीं ना कहीं, इवन अजीम प्रेम जी के जो रूट्स है वो कच्छ के हैं, कच्छी मुस्लिम है वो। तो ये जो आए हैं ना अभी, ये अहमदाबाद से, गुजरात से, ये अलग है पूरी ब्रीड, ये क्रेडिट कार्ड पे चलने वाली ब्रीड है, हमारी वाली जो ब्रीड है वो कैश पे चलने वाली ब्रीड है, और साहस कर लेती है। तो ये आज जो आया है ना ये पूरा अलग है, और ये अलग था। तो ये मार्केटिंग ज्यादा हो रही है इनके ऊपर, ये पूरा का पूरा अंदर से खोखला है, इसलिए तो हिंडनबर्ग ने लिखा भाई साहब ये खोखला है। आप मुझे एक बात समझाइए, आपने एनडीटीवी मीडिया टेक ओवर किया, आज की तारीख में मैं आपके मंच से बोलना चाहता हूं, इनका बिजनेस सेंस देखिए, एनडीटीवी एंड बीक्यू प्राइम इन लोगों ने एक्वायर किया है मीडिया एसेट्स। हिंडनबर्ग के मामले में तो इतना कुछ कर नहीं सके उसको, मतलब जिस तरीके से बात करनी चाहिए, अश्वत्थ दामोदरन जैसे वैल्यूएशन एक्सपर्ट जब बोले तब जाके पता चलता था कि ये तो इनके पास मतलब ऐसे एक्सपर्ट्स भी नहीं है। और आज की तारीख में बीक्यू प्राइम एंड एनडीटीवी गुजरात में स्ट्रिंगर्स ढूंढ रहा है, जब उनकी जो राइवल कंपनी है नेटवर्क 18 वो इतना बड़ा यहाँ पे नेटवर्क खड़ा करके बैठी है, उनके इतने मतलब रिपोर्टर्स है सभी, वो जितनी भी ब्रांड है उनके, और यहाँ पे लोग स्ट्रिंगर्स ढूंढ रहे हैं। तो इनका आप मॉडल इसी से पता चलता है, इनके पास स्पेस है, सब कुछ है, लेकिन ये खोखलापन है और मार्केटिंग ज्यादा है सब चीजों की। दूसरी जो बात अरुण कुमार जी ने जो कही वो आपके संदर्भ में जो आपने प्रश्न पूछा, वो मॉडल गुजरात मॉडल और ये क्या हो रहा है, ये गेम चल रहा है कंसोलिडेशन का। क्योंकि कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप ने कुछ, अगर आप उसके भाषण सुनेंगे, पिछले भाषण जो जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब या प्राइम मिनिस्टर है तब, वो पूरा का पूरा गेम कंसोलिडेशन का खेल रहे हैं। उन्हें छोटे लोग नहीं चाहिए, उन्हें छोटे टैक्स पेयर्स नहीं चाहिए, उन्हें बड़े टैक्स पेयर्स चाहिए। और आप जान के हैरान होंगे कि आने वाले दिनों में अगर शायद आपकी जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है वो आउटसोर्स हो जाए पूरी की पूरी, तो मुझे बिल्कुल अचरज नहीं रहेगा। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है, हाउसकीपिंग और बेसिकली सिटी क्लीनिंग का जो काम है वो आउटसोर्स कर दिया गया है। जो एक जमाने में एक पूरा एक वर्ग था जो उसके ऊपर निर्भर था, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता था क्लीनिंग वगैरह का, आज वो पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया है। द्वारका जैसा शहर जहां पे मैं फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, मेरे रूट्स वहां पे, तो वहां पे जो क्लीनिंग करने वाले लोग है वो जैकेट एक कंपनी का पहन के घूमते, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, बोले हम ये कंपनी के लिए, वो कंपनी के ऊपर भी वो कॉन्ट्रैक्ट रोल में, तो उनको मतलब वो पेंशन वगैरह भी नहीं मिलने वाला। ये मॉडल कहां से आ रहा है ये मैं भी आपको बता सकता हूं, गूगल पे चेक कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में किसी काउंटी सिटी काउंसिल की सर्विसेज में शायद कोई कंपनी से एक्वायर किया और ये मॉडल वहां से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से। तो आने वाले दिनों में ये जितने भी मतलब कॉर्पोरेटर जो अपना रसूख बना के घूम रहे हैं ना, आने वाले दिनों में यहाँ पे तो कॉर्पोरेटर्स की कोई वैल्यू वैसे रही नहीं है गुजरात में, ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं तो, ये आने वाले दिनों में इनकी वैल्यू ये
सिर्फ वो वोट गार्नरिंग और वोट गैदरिंग और पीपल गैदरिंग के लिए रहेगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये ज्यादातर या तो इनकी प्राइवेट कंपनीज रहेगी ये कॉन्ट्रैक्ट की क्लीनिंग वगैरह की, तो ये इस दिशा में जा रहा है। और जब ये सब हो जाएगा तब कोई जाके एक्वायर कर ले। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आपके चैनल के जरिए मैं कहना चाहता हूं, बॉक्साइट माइनिंग पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में है। दुनिया भर में माइनिंग के इश्यूज होते हैं एनवायरमेंटलिस्ट को लेके, एनवायरमेंट ग्रीन प्रोटेस्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि ये माइनिंग नुकसानकारक है, आप बंद कर दीजिए। बॉक्साइट का माइनिंग, आपको मुझे लगता है इसके ऊपर एक एपिसोड करना चाहिए। 2014-2015-2016 तक बॉक्साइट माइनिंग का बिजनेस ऐसा था कि 77 लाख टन बॉक्साइट उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, वो 1 करोड़ लाख टन 1 करोड़ टन तक ले जाना चाहते थे। पिछले साल 50,000 टन ही एक्सपोर्ट कर पाए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज, प्राइसिंग, जो मतलब रॉयल्टीज वगैरह जो उनके ऊपर लाद दी गई है ना, और एक तरफ बॉक्साइट के रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं, उसको लेके जो पॉलिसीज जिस तरीके से बनाई गई है, पूरा का पूरा माइनिंग का धंधा खत्म हो गया। तो मेरा मानना है आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा रसूखदार से इसमें घुसेगा, क्योंकि ये देखिए ये एक व्यापारिक मॉडल है, और ये व्यापारिक मॉडल कैसे होते हैं आपको समझना पड़ेगा। मैं बहुत ही एक बाजारी आदमी इन द सेंस में बाजार में घूमता हूँ, खुदरा व्यापारियों से बात करता हूँ, शोरूम्स पे जाके बैठता हूँ, इसलिए मैं मेरी माइंडसेट जो है वो बाजार में लोग जैसे व्यापारी सोचता है वो मैं बताता हूँ। मंदी कैसे ट्रिगर होती है, सोने का व्यापारी, उसको पता है भाव अब जाने वाला है, उसने सोना लेके लेके रख दिया है, और वो कहीं ना कहीं मंदी ट्रिगर करता है। जब वो एक सप्लायर होता है वो पकड़ के बैठता है, मंदी ट्रिगर करता है, भाव नीचे लेके आता है और बोलता है कि खरीद लो, इस भाव पे नहीं मिलेगा, पूरे मार्केट से पैसा वाइप आउट हो जाता है। और वाइप आउट होने के बाद वो दूसरा सोना उस भाव पे खरीद के, जब वो तेजी आती है तब वो मतलब उसका वो होता है कि आपने आज पैसा दिया लेकिन सोना जब आएगा उसका डिलीवरी का भाव जो रहेगा वही रहेगा, तो उस तरीके से रहेगा। तो उस तरीके से वो जब अप में आता है तब वो बेचना शुरू करता है, उसके पास भी जो होल्डिंग होता है वो। तो ये एक बिजनेस मॉडल है। आप मंदी ट्रिगर कीजिए, जैसे अरुण कुमार जी ने कहा नोटबंदी में क्या हुआ, मंदी ट्रिगर हुई, डिमांड डाउन हुई, उसके बाद कोरोना लकीली मतलब ऐसा हुआ कि उसमें भी वही हुआ, जीएसटी में असमंजस इतनी रही कि जीएसटी का मतलब इंप्लीमेंट करने में ये हुआ कि जीएसटी की वजह से भी डिमांड क्लैरिटी नहीं थी। आज जीएसटी के कलेक्शन के आंकड़े आप इतने बड़े दिखा रहे हैं, बात सही है, लेकिन डिमांड आप देखिए बॉटम ऑफ द पिरामिड के जो डिमांड है, आई एम श्योर प्रोफेसर अरुण कुमार इससे एग्री करेंगे, बॉटम ऑफ द पिरामिड में डिमांड टूट चुकी है। आप आंकड़े देते हैं थार के, अब थार क्या कोई हर आदमी जो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदता है वो खरीदता है? 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट के ऊपर भी जीएसटी है आपका। और कौन सा धंधा है दुनिया में एक सिग्नेचर से जहां पे 9% से लेके 50% आपको दे देना पड़ेगा, आप चाहे भले उधारी में धंधा करो। आपने कुछ चीज बेची है 10,000 रुपए की, उसके ऊपर 18% टैक्स है, तो 1,800 रुपये आपको सरकार को दे देना है। अब वो 10,000 जब भी आए ना भी आए, वो सामने वाला खड़ा भाग भी जाए तो आपका तो गया। तो पहले आप जब धंधा करते हो, कुछ भी लेन देन करते हो, तो सबसे पहले आपको सरकार को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है जीएसटी के रूप। अब वो उधारी के ऊपर नहीं है, उधारी गई तो गई। तो अगर इसे आप ग्रोथ कहते हैं, और अगर और आप दूसरी एक चीज, एक लास्ट चीज मैं बोल के खत्म करता हूं, हर एक चीज के दाम आप देख लीजिए कितने बढ़ चुके हैं, तो आपने ऑटोमेटिकली उसको एक प्रीमियम लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं देखता हूँ एड्स, प्रीमियम शेक्स, फिर प्रीमियम आइसक्रीम्स, प्रीमियम लिविंग अपार्टमेंट। इंडिया प्रीमियम का कंट्री नहीं है भाई साहब, बॉटम ऑफ द पिरामिड का कंजम्पशन वाला कंट्री है जी। तो मिडिल क्लास अभी धीरे धीरे बॉटम ऑफ पिरामिड में आ रहा है, और उसका कंजम्पशन जो है वो एक जमाने में जो था वो कम हो रहा है। मैं फार्मेसी स्टोर्स पे बैठता हूँ, एक जमाने में लोग आते थे विक्स की एक डिबिया लेगा, बोलेगा एक छोटी बीको है तो वो भी दे दो, तो 100 रुपए का 200 का जो हिसाब होता है हो जाए। आज के जमाने में एक डिबिया छोटी लेता है, बड़ी लेता भी, जितनी रिक्वायरमेंट उतना कंजम्पशन होता है, और कंजम्पशन कहीं ना कहीं टूट चुका। तो ये डिमांड आप कैसे खड़ी करेंगे? जब तक आप डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में नहीं देंगे डिमांड खड़ी नहीं होगी। उसके लिए जॉब क्रिएशन, और उसके लिए जो पुराना गुजरात मॉडल था वो वापस लाना पड़ेगा। जो नया मार्केट किया है ना आपने, कार कंपनियां जा रही है भाई साहब, प्यूजो चला गया वहां से समझ लीजिए, फोर्ड भी चला गया, आए सब चले गए, बहुत सारी आता है। अब 70% अगर आप माइक्रोन को देंगे, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 20% स्टेट गवर्नमेंट देगा, और 30% मेरे को निकालना है, मुझे भी धंधा करना है पोर्ट का, चलिए 100% ओनरशिप मेरी है, क्योंकि वो पेपर्स जाके मैं बैंक से पैसा उठाऊंगा, मुझे करना है ये धंधा। कौन नहीं करेगा धंधा आपके साथ? कहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आया? बिल्कुल आएगा, लेकिन किस लेवल का इन्वेस्टमेंट आता है ये समझना पड़ेगा। तो ये है सब,
ये पूरा का पूरा एक मार्केटिंग है, आप समझने की कोशिश जी। और पूरा का पूरा एक माइंडसेट है, स्पेक्युलेटिव माइंडसेट है, उसको आपको समझना पड़ेगा धंधे का। हिमांशु जी आपसे तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि आपने गुजरात के दो मॉडल बताए थे, लेकिन गुजरात का एक मॉडल और है, नीरव मोदी मॉडल। हालांकि ये थोड़ा खतरनाक शब्द है आजकल नीरव मोदी जी का नाम लेना, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेके बोल रहा हूँ। एक नीरव मोदी मॉडल भी है कि पैसा यहाँ से कुछ कुछ करो, और यूपी के कुछ लोग भी गाजीपुर से लोग जाके वहां से बैंक का लोन करवा ले रहे हैं। हमारे संजय राय साहब या कौन है, शेरपुरिया जी, तो यूपी से जाते हैं वहां, तो एक उनको उन्होंने वो मॉडल किया है। दूसरा, मेरे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इज आउटलॉड, आज की तारीख में देश में आउटलॉ है, मतलब नहीं कर सकते। येट सीक्स गवर्नमेंट सीक्स 30% ऑफ द विनिंग सेम इन गेमिंग इंडस्ट्री। वो कह रहे हैं कंट्रडिक्शन है, एक तरफ आप इसको आउटलॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस पे टैक्स लगाए हुए हैं। और एक सवाल जो मूल सवाल है कि जो हमारे यहाँ के अब उसको कहा नहीं जाता है क्योंकि लोगों को बुरा लगता है, उन स्टेट वालों को, ये जो हमारे बीमारू राज्य थे और डेवलप्ड स्टेट थे, इनको एड्रेस कैसे करना है? क्योंकि ये तो हरदम रहेगा, रिसोर्स एक जगह है, वो जनरेट ज्यादा कर रहे हैं, ये सारा उसको ले रहे हैं, इसकी बैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए आपके हिसाब से? मॉडल है ना वो, मैं ये जो नीरव मोदी मॉडल जो है, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ, यस, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, ये जो नीरव मोदी मॉडल है ना साहब, वो गुजरात का मॉडल नहीं है, समझ लीजिए। मैंने जैसे कहा कि ये जो इलाका जहां से लोग खड़े हुए ना, एंटरप्राइजेस खड़े किए, वो कैश वाले हैं, सब टूटे हैं, समझो आप। ऐसा नहीं है टूटे नहीं है, मैं जिस शहर पे आ रहा हूँ राजकोट से, वहां पे लोग सट्टे में टूट जाते हैं, बैठा हुआ होता है बंदा वहां पे, सबका पैसा देता है, वापस खड़ा होता है, भागता नहीं है पैसा लेके। सौराष्ट्र कच्छ में आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपको कभी भी न्यूज नहीं आएगी कि लोग भाग गए पैसे लेके। ये जो होता है, ये ज्यादातर ये जो सेंट्रल गुजरात वगैरह जहाँ पे, जैसे ही अपने वडोदरा में जो कंपनी थी इनकी, स्टर्लिंग वालों की, सांडेसरा ब्रदर्स, तो ये सब, ये मैं बोला ना, वो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, पैसा होता नहीं, उधार की जिंदगी जीते, दिखावा ज्यादा करते हैं। इधर के लोग जो है वो श्रम वाले हैं, समंदर किनारे पले बड़े, मैरीटाइम ट्रेड सीखा, वहां से धंधा सीखा, एक्सपोजर हुआ। उस जमाने में जैसे बाहर से, मतलब वो जो शिप्स आते थे उसमें उन्होंने सीखा सब, कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, तो वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली उनमें आया और उन्होंने धंधा उस तरीके से किया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैनिपुलेशन नहीं हुआ, धंधे में मैनिपुलेशन होता है। वो अगर आप लॉ ऑफ द लैंड में, वो चीज नहीं है रूल ऑफ द बुक, जैसे हर्षद मेहता ने किया था। हर्षद मेहता बॉन्ड ट्रेडर था, तो बॉन्ड का पैसा, बॉन्ड मार्केट का पैसा उसने शेयर में लगाया, लेकिन कोई रूल नहीं था तब कि आप लगा नहीं सकते हो। तो ऐसी जब विंडोज ढूंढ के लोग करते हैं, लेकिन हर्षद मेहता टूटा वहीं पे रहा। हर्षद मेहता भी पानेली करके जगह है जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था। तो पानेली किले ऐसा कहा जाता है कि इस गांव ने दो लोग दिए, एक जाडो और एक जीनो। जाडो मतलब हर्षद मेहता और जूना मतलब जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो लोग टूटे नहीं है, टूटे हो गए तो भी खड़े हैं, भाग नहीं गए। ये लोग भाग जाते हैं, ये मुंबई और ये सेंट्रल अहमदाबाद, सेंट्रल गुजरात और यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड की जिंदगी, उधार की जिंदगी, दिखावा ज्यादा, जो नीरव मोदी की लाइफस्टाइल में था, मेहुल चौकसी की लाइफस्टाइल में था, विजय माल्या की लाइफस्टाइल में था, फ्लैम्बॉयंसी, वो यहाँ पे नहीं होती। तो बात ये है कि ये गुजरात मॉडल नहीं है, एक्सेप्शन है अलग बात है, लेकिन ये गुजरात मॉडल नहीं। अनिल अंबानी भी आज की तारीख में देखिए, उसके रूट सौराष्ट्र के, खड़ा है, टूटा हुआ है, बैंकरप्ट है, लेकिन खड़ा है, वो भागेगा नहीं, ये क्लियर बात है। दूसरी बात आपने पूछी क्रिप्टो और ऑनलाइन को लेके, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जिस तरीके से टैक्सेशन डाल दिया गया, वो बहुत क्लियर है कि इसको लेजिटिमेट कर दिया है। अभी ऑनलाइन गेमिंग में जो क्रिप्टो का जो भी व्यवहार होता है, मुझे लगता है वो सरकार को समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो के जरिए अगर कोई व्यवहार होता है तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। तो इसके लिए पॉलिसी लेवल पे जो बात करनी चाहिए सरकार को, मुझे लगता है अगर आप क्रिप्टो की इनकम को गेमिंग के जरिए जो आती है उसको भी अगर आप टैक्सेबल करते हो, तो आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेजिट कर रहे, ये बात क्लियरली इसमें साबित हो रही है। हाँ, अलग बात है कि अगर वो क्रिप्टो का पैसा किसी और कंट्री में चला जाता है तो वो तो ब्लैक इकोनॉमी प्रमोट करने की बात होगी, मतलब आप टैक्स भी नहीं देते और पैसा कहीं और चला गया। तो इसके लिए मुझे लगता है सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मतलब निर्मला सीतारामन जी है, वो शायद ये बोल भी दे कि मैं तो क्रिप्टो में खेलती नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं है क्या करना चाहिए, जैसे लहसुन और प्याज में उन्होंने बोल दिया था, तो वेट एंड वॉच क्या होता है उसमें। तीसरा आपका प्रश्न था कि जो बीमारू राज्य है उनको कैसे खड़ा किया जाए। मेरा
मैं बहुत मैं मोटरसाइकिल लेके घूमता हूँ दूर दराज के गांव में, सब जगह पे जाता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान भारत के पास गॉड गिफ्टेड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है। 12 महीने एग्रीकल्चर के सब तरीके के पाक वगैरह सब कुछ है। ये मौका है भारत के पास, अगर ये मौका आपने गवा दिया तो आप यू विल ड्रेन डाउन इन हिस्ट्री एज समबडी हु वाज नॉट एबल टू कैश ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। आज भारत को सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है जो शायद एक जमाने में नहीं मिल रहा था। जैसे हमारे पास 60% रशियन इन्वेंट्री थी वेपन्स की, मतलब वो रशियन पार्ट पुर्जे उसका भगवान तो मालिक, उसका भगवान ही मालिक, ऐसी चीज थी। मिक्स के जो क्रैशिस वगैरह हमने देखे हैं, तो आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है आपके साथ, सब कुछ हो रहा है, इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए कीजिए। गांव खड़े कर दीजिए, एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन लाइए, ऑटोमेटिकली आपका एक चेन चलेगा। आई एम श्योर प्रोफेसर अरुण कुमार विद एग्री विद दैट कि आप जो खेत से लाते उसको वैल्यू एडिशन कीजिए, छोटे कारखाने लगेंगे इसके आसपास, हब एंड स्पोक मॉडल बनेगा, चिलर प्लांट्स लाइए, दूध का वैल्यू एडिशन करके आइसक्रीम बनाइए, पनीर बनाइए, चीज बनाइए, एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। और आपके ये जो आज के जमाना भी मल्टीप्लेक्स का तो मीनिंग रहा नहीं, क्योंकि हर घर ओटीटी पहुंच गया है। तो जो भी दूसरे सुख सुविधा के साधन है, मतलब एक बेसिक मेडिकल केयर है या एक सुपरमार्केट जैसा है, वो उस तालुका लेवल के सेंटर में उसी एपीएमसी में दे दीजिए आप लोगों को, तो वहां पे जाके वीकेंड पे उनको जो भी थोड़ा बहुत खरीदी वरीदी करना है, जो भी करना है डिस्काउंटेड पे, आपके अदानी अंबानी सब खड़े हो जाएंगे सुपर मार्केट सुन के आ जाएंगे, तो वहां पे आपके महिंद्रा भी खड़े हो जाएंगे, रूरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बनेंगे, रास्ते अच्छे बनेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लॉजिस्टिक्स आपको चाहिए, चिलर प्लांट्स वाले जो भी है कोल्ड चेन वाले सब खड़े हो जाएंगे, ई कॉमर्स की। और आज 141 करोड़ की आबादी को आपको दो टाइम खाना खिलाना है, तो आपका खुद का कंजम्पशन भी इतना है, और आप यही चीज वैल्यू एड करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2008 में मैं ब्लूमबर्ग यूटीवी में था, तब बजट के लेके मैंने हिमांशु जी एक मिनट में कंक्लूड करिएगा मेरा अगला सेशन में, उससे भी कम मैं कर दूंगा। तो उस समय एक वहां पे किसान ने कहा था कि साहब हमको यहाँ से अगर डायरेक्ट एयर कार्गो देते हैं तो हम लोग ये माल सीधा का सीधा दुबई की मार्केट में 2.5 घंटे में डालेंगे, चाहे धनिया हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, फल हो, फ्रूट हो, तो वहां से वो पूरे अफ्रीकन मार्केट्स में मीना रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप सोचिए कितना पैसा मिला गया है कच्छ के जो किसान है उसको आज की तारीख में। ये उस जमाने में 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, प्रपोजल गई थी यहां से, बाद में यहां से एक आईएएस ऑफिसर रीता टेवोटिया वहां पे थी एग्जिम में, उनको एक बार मैं यहाँ पे आए 2014 के बाद, तो मैंने पूछा था, बोले वो प्रपोजल है, लेकिन सरकार ने वो बेसिक प्रपोजल पे भी काम नहीं किया। तो ये करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंडस्केप को आगे ले जाइए, वैल्यू एडिशन कीजिए, गांव कस्बे आपके तालुका सेंटर्स, आपकी तहसील, आपके शहर सब एकदम परफेक्ट हो जाए, सर्विस मॉडल लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए, सब कुछ चलेगा, और आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, आपकी इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, और एक ऐसी ताकत बनी एग्रीकल्चर के जरिए कि आप अगर ऑयल का $1 बढ़ता है तो आपको 800 करोड़ का नुकसान है, तो आप वो अगर ऑयल का $1 बढ़ाने जा रहे हैं जैसे आपने अपनी राइस एक्सपोर्ट पे कर दिया, वैसे आप एग्रीकल्चर के जरिए निगोशिएट कर सकते हैं वर्ल्ड मार्केट के साथ। तो मुझे लगता है ये मौका है एग्रीकल्चर को सही पे फोकस में ले जाने के लिए।